ये तो समस्या है, सिर्फ दौड़ दौड़ कर जा नहीं सकती है ना आप बाला को ढूंढने। वैसे आप और मैं एक जैसे ही है, आप बाला को ढूंढने जा नहीं सकती और मैं ढूंढना ही नहीं चाहती। हाँ जीजा भाई, हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं पैरों से लाचार हूं, तू दिल दिमाग और आत्मा से लाचार है। हाँ, और ये सारे चाल वाले इस परिवार के नौटंकी से लाचार है। बिल्कुल सही। हर 10-15 दिन में कोई ना कोई उठ के बाहर चला जाता है, फिर सारे परिवार वाले उसे ढूंढने चले जाते हैं, यही होता है यहाँ बस। और बचे हुए चाल वाले हम इंतजार करते रहते हैं। अगर इंतजार करने के बाद में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे तुम सबकी मंशा होती है, और आज भी इंतजार करो, कुछ अशुभ नहीं होगा। अरे डलिया माँ, लेकिन इस बार कहानी अलग है, और इस कहानी का किरदार है बाला, और जब बाला है कुछ तो होइबे करेगा। वो लोग कहीं फिर से ऐसी वैसी बातें ना करे जिससे बाला भैया फिर से जान देने के लिए निकल जाए। नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें बाला भैया चाहिए। बाला भैया चाहिए मतलब? मतलब रमा, बाला भैया का सहारा लेकर, उनका इस्तेमाल करके वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हराना चाहते हैं हर परिस्थिति में। देखना, वो बार बार बाला भैया के मर्दानगी को उकसाएंगे, और बाला भैया भाभी से बुरा बर्ताव करेंगे, और हम परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इस सब के लिए तैयार रहना होगा हमें। बाला, कई बार होता है कि हाथी भी चींटी से परेशान हो जाता है, लेकिन उसके बदले हाथी जान देने जाता है क्या? हाँ, देखो बाला, ये बहुत ही अच्छा मौका है। आज की जीत के बाद तुम्हारी घरवाली और उनका तरफदारी करने वाले लोगों का यही लग रहा होगा कि बस अब तो बाला हार गया, और अब तो उसका आत्मविश्वास और उम्मीद दोनों बहुत ऊंचाई पर चली गई होगी। और ऊंचे आत्मविश्वास और उम्मीद से भरे व्यक्ति को हराने की खुशी ज्यादा होती है बाला। हाँ, इसलिए बाला उठाओ और ये लड़ाई को अंजाम तक लेके जाओ, वो अंजाम तक जहाँ हम मर्दन की ताकत चाल के साथ साथ पूरे समाज में एकदम पक्की हो जाए, और फिर कौनो औरत सर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। सही कह रहा है आप। लिखिए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। आ जाओ, तब तक मैं। पापा क्या सोचते हैं मायने रखता है, और हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहे। और वैसे भी हम आपके घर का हिस्सा नहीं है, पड़ोसी को हर मसले पे फैसला लेने की जरूरत नहीं। आनंद, सही कहा तुमने, और यही सच है आप सबके लिए। जाइए जाइए, अपना अपना काम कीजिए। ये जीजाबाई घर के 3 औलादों में अपनी औलाद ढूंढ नहीं पाई, खुश नहीं हो पाई, और कहीं और से बच्चा गोद लेने पर ये खुश हो जाएगी? आप सबसे मैं जीजाबाई को ज्यादा जानता हूं, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं इनकी सौतेली माँ थी, इसलिए इनकी माँ नहीं बन पाई शायद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के किसी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती मैं। प्रजन देव जी,
कमाल कमाल का भूसता ना, जलेबी तो कमाल की थी। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों में कोई भोज वगैरह कोई उत्सव वगैरह नहीं होता क्या? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो नरोत्तम? ये छोटी जात वालों की औकात है भोज या उत्सव करने की, और कभी गलती से कोई भोज और उत्सव कर भी दे तो ये भिगमंगे वहां खाना खाने का मौका छोड़ेंगे क्या? तुमने कभी देखा है हाँ, माटुंगा से बांद्रा तक भीमराव और राम जी को किसी भोज में जाकर खाना खाते हुए? नहीं 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 प्रसन्न देव जी, आपका अनुमान गलत है। पहले बुलाते होंगे इस राम जी को, इसके बेटे भीमराव को भोज पर, लेकिन फिर इसका अल्प ज्ञानी पुत्र भीमराव को भोज करवाने वाले परिवार को ही जान देने लगता होगा। इससे वो भोज करवाने वाला परिवार परेशान हो जाता होगा, तो उन्होंने परेशानी खत्म कर दी। पता कैसे? इन्हें ना बुलाकर। नरोत्तम जोशी जी, हाँ प्रचंड देव जी, आप उत्सव से आए हैं, आपका मूड अच्छा है, मुझसे बहस करके अपना मूड खराब मत कीजिए। जय राम जी, बात तो सही कही, हमारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा। क्या हुआ हा? क्या हुआ बताओ, क्या बात बोलो हा? मालिक, प्रणाम। मैं कारण बताता हूं। हाँ बताओ हितेश। बेटे ने कहा बाप से कि इस उम्र में फिर से बाप बन जाओ, ये सुनकर तिल मिलाकर भाग गया राम जी वहां से। बेटे ने कहा कि बाप बन जाओ, समझे नहीं? मालिक, भीमराव ने कहा बाबा आप और जीजाबाई मिलकर एक बच्चा गोद ले लीजिए, इससे आपका परिवार बन जाएगा। ये सुनते ही भाग आए चाल से। ये क्या हुआ, उड़ाओ हाथ, तभी तो बड़ी ताकत आ गई थी ना। दीदी आप आंखें बंद कीजिए, ताकि आपको दिखे ही नहीं कि आपके सामने आपके पति है। आंखें खोलो, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना कि अंधी बनके मत रहो और सच का सामना करो। खोलो आंखें। हाथ छोड़िए अभी भाभी का, बस हो गया अभी, हाथ छोड़िए भैया, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़ दीजिए। भीमराव आप दोनों छोड़ दो, मैं खुद छोड़ाऊंगी अपना हाथ। अच्छा छोड़ाओ फिर, मैं भी देखता हूँ। भैया ये क्या कर रहे हैं आप, हाथ छोड़िए भाभी का, छोड़िए हाथ, छोड़िए भैया हाथ, छोड़ दो, छोड़ दीजिए भैया, ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया। हम दोनों को मेरी कसम है, बुआ छोड़ दीजिए आयका, आप जाइए, वैसे भी आपको रोक कर कोई मतलब नहीं आए। हाँ तो यही बात
समझा दो अपनी बुआ को कि अब मुझे रोककर कोई मतलब नहीं है। आज मैं अपनी लड़ाई किसी भी तरह से जीत कर रहूंगी। अब भी सामान बांधकर यहां से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ कौन क्या करता है। बाला आज छोड़ो। बाबा ये पानी पीजिए, दीदी चाय बना रही है, मैं लेकर आती हूँ। कैसे हैं आप? नहीं, सवाल ही गलत हो गया। ऐसे कैसे बन गए आप? तुम कहना क्या चाहती हो? देखा मैंने बाहर, बाला पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे आप। आपका ये रूप तो कभी देखा ही नहीं मैंने। और क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि बाला ने अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ा था, और जो हर रोज आप मेरा भविष्य, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरे सम्मान को मरोड़ते आए हैं, तब कहाँ गया था आपका ये रूप? तब नहीं देखा मैंने आपको कभी चिल्लाते हुए? देखो चीजा भाई, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं होगी और निर्णायक बात होगी। अगर बाला का व्यवहार अपने पत्नी के प्रति बदतमीजी का है, तो आपका भी मेरे प्रति व्यवहार बदतमीजी का ही है। अगर बाला गलत है तो आप भी गलत है। हाँ, गलत हूँ। बाप बेटे दोनों भी गलत है। और कुछ? कुछ जाओ यहां से। और हाँ, ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मेरा सबको लेकर बाहर जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या कहा था तुमने? मेरे लिए सही न्याय यही होगा कि मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर एक बच्चा गोद ले ले। ऐसे लड़ोगे मेरी न्याय की लड़ाई? सुबह शाम अपना काम करते रहोगे और जैसे ही मैं दिखूंगी कहोगे कि मैं तो आपके ही न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। भीम, फैसला अभी के अभी होगा। अपने बाबा को समझा दो कि कल के कल ये मेरे साथ आएंगे और एक बच्चा गोद लेंगे। कल क्या, इस विषय पर बहुत बात हो चुकी है। हर रिश्ते के बीच बात करने की जगह होती है, समझने समझाने की सीमा होती है। वो सीमा हम दोनों भी लांघ चुके हैं। अब इस विषय पर बात करने की कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मुझसे बात मत करो, ठीक है? ठीक है, इस विषय पर बात नहीं करूंगा। बस एक बार इतना सोच लीजिए, ये सब जो हो रहा है वो मेरी आई भीमा बाई कहीं ना कहीं से देख रही होंगी। जाने अनजाने में मुझसे या आपसे किसी भी औरत का अपमान हो गया तो सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगेगा। नहीं भीम, इस बार मत रोकना मुझे।
क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझसे माफी इसलिए मांगी क्योंकि भीमाबाई को बुरा लगेगा। इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूं, इसलिए इस बार मैं रुकूंगी नहीं। उसे रोकने कोई नहीं जाएगा, जहां जाना चाहे जाए, कोई नहीं जाएगा। बाबा आपने और उन्होंने भी आपको रोकना चाहिए था। हाँ समझनी चाहिए, मुझे भीम की बात समझनी चाहिए। वहां बाहर बाला आनंद यही कह रहे थे, यही बात हितेश चोकू जनार्दन कह रहे थे, फुलिया भी यही कह रही थी और तुम भी यही कह रही हो। सबको ऐसा लगता है कि भीम के विचार इतने अच्छे हैं तो उसके बाबा मान क्यों नहीं रहे हैं। भीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम दोनों ऐसे एक दूसरे के आमने सामने कभी खड़े हो जाएंगे। बाबा यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम परिवार वाले हैं, हमें आमने सामने खड़ा नहीं होना है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। बाबा आपने जो हम सबको कसम दी है कि हम आई को वापस नहीं लाएंगे, उसे वापस ले लीजिए ना, हम आई को वापस लाते हैं। ये कुछ सब्जियां लाए ना, अगर खाना बना कर दे सको तो दे दो, नहीं तो बाहर जाकर कहीं खा लूंगा। पापा हम आपके फैसले से नाराज है, आपसे नहीं, पर हम आपको पराए नहीं मानते। मैं बनाती हूँ खाना। तू तो गवार है, मैं समझाता हूं इते। देख ये है भीमराव, एक तरफ फंसा हुआ है बाला और उसकी पत्नी की समस्या। जी मालिक। दूसरी तरफ फंसा हुआ है राम जी और जीजाबाई की समस्या से। मालिक। तीसरी ओर है आनंद और लक्ष्मी की समस्या। जी मालिक। और चौथी तरफ से कैसे फंसा है भीमराव पता है? चौथी तरफ से आने वाली है परीक्षा। मालिक आपने जो भीमराव के चौथरपा मुसीबत को गिनाया है उसमें भीमराव का दम घुटने लगा, ऐसा सोचकर आपके साथ साथ मुझे भी बहुत मजा आया। मैं तो बस जानकारी ला कर देता हूँ आपके पास, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन
सोचेंगे तो आप ही ना मालिक। एकदम सही कहा हितेश, सोचूंगा तो मैं मालिक। देख, भीमराव का दम घुटने लगेगा इन समस्याओं से, और ऐसा मैं करूंगा। और मालिक, इस बार बात यह है कि भीमराव जिन समस्याओं से घिरा है उनमें से ज्यादातर समस्याएं उसके अपनों की उत्पन्न की हुई है। रात में आनंद और बाला ने भी रामजी को सुना दिया। हाँ, चाल की फुलिया उसने तो साफ साफ रामजी से कह दिया, रामजी भाऊ, जब आप खुद ही भीमराव के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि भीमराव के विचार वाहियात होते हैं जिसे उसका बाप भी पसंद नहीं करता। बाबा को मेरी सोच से नहीं। हाँ बाला, देखो तुम्हारी बात का असर हो ही रहा है। अरे बहादुर पति हो तुम। अरे आने तो दो उसे, फिर दिखाता हूँ बहादुरी। बाला, ये क्या तरीका है? ऐसा व्यवहार काहे कर रहा अपनी पत्नी के साथ? भीम की वजह से कर रहा हूँ ये सब। अगर वो ये शर्त वर्त छोड़ दे और इसे मेरे साथ जाने दे तो करना ही नहीं पड़े ये सब, चला जाऊंगा मैं। बाला, भीम का नाम झूठ में मत फंसा, खुद बुरा कर रहा है और दोष भीम को दे रहा है। वाह बाला वाह। लीजिए चाय। शर्त तो याद है ना, अब मैं तुम्हारे हाथ से चाय तभी पीऊंगा जब तुम खुद अपना हाथ मुझसे छुड़ा पाओगे। बाला, कुछ तो शर्म करो। बाबा, आप शांत हो जाइए और देखिए कि आपकी बहू कितनी बहादुर है। जोर लगाइए भाभी, और ताकत लगाइए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो। क्योंकि किसी भी पत्नी को ऐसे अपने पति को गिरे हुए हारते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए बार बार कह रही थी कि वहां पर आकर चाय पी लीजिए, लेकिन इनकी जिद थी,
कैसे कैसे समझाऊं इन्हें कि हर जिद अच्छी नहीं होती है और आपकी हर जिद बुरी है। कैसे समझाऊं? भाषण मत दो और चली जाओ यहां से। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके आई है, वरना तेरी हैसियत है उससे कलाई छुड़ाने की, मुझे गिराने की? मेरा बहू के चीखने की आवाज बाला तक पहुंच रही होगी, लेकिन उसका चेहरा तो देखो, एक सेकंड तक नहीं दिख रही है। हमारा बाला कितना निष्ठुर हो गया है। नहीं बुआ, बाबा ऐसा नहीं है, देखिए तो सही, बाला भैया चाय पी रहे हैं। और इसका मतलब यही होता है कि आज बाला भैया एक हिस्सा हार गए और भाभी एक हिस्सा जीत गई। 10 दिन की शर्त है बाबा, बस 2 ही दिन हुए हैं। अब देखिए आने वाले 8 दिनों में बाला भैया का अहम पूरी तरह से पिघल जाएगा। सिर्फ 8 दिन बचे हैं, इन 8 दिनों में भीम को हरा कर यहां से जाऊंगा। प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक। क्या हुआ, आप तो क्यों आ रहा है देश? मालिक, एक नई खबर लेके आया। कैसी खबर? मालिक, जीजाबाई जब घर छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि राम जी के घर की समस्या खत्म हो गई, मगर जीजाबाई ने एक वकील भेज दिया अपना। वो न्याय मांगने आया है और वो साफ साफ कह रहा है कि भीमराव के घर के सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हितेश, मालिक सच सच बोल रहा है ना? आज तक मैंने कभी आप लोगों से झूठ बोला है? शाबाश, बहुत खूब। हितेश, मालिक तुम्हें पता है कि वो वकील इस समय कहाँ है? चाल में। हितेश, मालिक अब पौधे तुम लगा। जी मालिक। हम जाते हैं चौल, चौल जाकर उस वकील से मिलते। जी मालिक। प्रचंड देव जी, चलिए। बढ़िया काम किया। सब्जी लेने के बहाने आप भाग नहीं सकते। भाग नहीं रहा हूं, सब्जी लाने ही जा रहा हूं। और आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए। और हाँ, जीजाबाई की हालत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बनती है, आपको जो भी केस करना है मुझ पर खींचिए। अगर कानून सजा देगा तो मैं भुगतूंगा, और कोई नहीं। वो क्या है ना कि केस में सबके नाम लिखे हुए हैं, तो सजा भी सबको मिलेगी।